तो भी पैसों की यहाँ पे जरूरत पड़ चुकी है और काफी सारी एप्लीकेशन पे आप लोन के लिए अप्लाई भी कर चुके हैं, आपको किसी भी एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल पा रहा, तो आज मैं आपके लिए कैसी एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जो आपको स्टार्टिंग पे छोटा मोटा लोन का अमाउंट यहाँ पे दे देगी। अब आपको यहाँ पे लोन अप्लाई कैसे करना है, अप्रूवल आपको कैसे करवाना है, देखो अगर आपको इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है आपके पास एक पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, अगर आपका सिविल यहाँ पे नहीं है तो भी आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। और जो एप्लीकेशन है आरबीएस अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। अब मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है तो पूरे 7000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है। मैं यहाँ पे 2000 से लेके 7000 रुपए का मैं यहाँ पे लोन ले सकता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको समय मिलेगा 2 महीने का और आपको EMI बन के आएगी 2140 रुपए, 2140 रुपए आपकी 2 EMI यहाँ पे बन के आ जाएगी। अब आपके बैंक खाते में आएंगे 2700 रुपए आपके बैंक खाते में आ जाएंगे, रिपेमेंट आपको करनी है 4280 रुपए की। देखो अगर आपका सिविल यहाँ पे खराब है, पूरे तरीके से खराब हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। देखो इस एप्लीकेशन पे आपको लोन तो मिल जाएगा, बस कंडीशन एक रहेगी आपको थोड़ा ब्याज ज्यादा देखने को मिलेगा। जिनका सिविल जीरो है उनको भी लोन मिल जाएगा और जिनका सिविल पूरा खराब हो चुका है ना उनको भी यहाँ पे लोन मिल। तो आपको लोन कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको अप्रूवल मिलेगा, अभी इस एप्लीकेशन के अंदर ही जो लोन है सीधा मैं इसको अप्लाई करूंगा और अपने बैंक खाते में आपको लेके भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि बैंक खाते में हमें लोन को कैसे लेना है और कैसे हमें इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब देखो काफी लोग क्या करते हैं जिनको लोन की जरूरत पड़ती है पर वो वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते, वीडियो को कंप्लीट नहीं देखने के कारण उनको इन एप्लीकेशनों से यहाँ पे लोन नहीं मिलता। आपको सिर्फ वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने लोन अप्लाई करूंगा, कैसे आपको अप्लाई करना है आप मेरे हिसाब से लोन अप्लाई करो, 100% आपको लोन का अप्रूवल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब काफी लोग क्या करेंगे, उनको तो लोन मिल जाएगा, काफी लोगों को लोन नहीं मिलेगा। देखो अगर आपका सिविल ज्यादा ही खराब है तो हो सकता है कि आपका लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, अगर आपका सिविल 200 से 300 है ना तो भी आपको इस एप्लीकेशन पे लोन का अप्रूवल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं प्ले स्टोर पे आ गया हूँ, मैंने एप्लीकेशन को भी ब्लर कर दिया क्योंकि भाई काफी लोग क्या करते हैं वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते और जाके लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं और जिनको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं मालूम होता और आगे चल के उनका लोन भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले 4 से 5 मिनट का समय निकाल के वीडियो को कम्प्लीट देख लेना है और उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो 100% आपका जो लोन है वो यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर आपको नीचे आना है, गेट कोड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना, अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, जो ओटीपी आएगा आपको उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी को फिल कर दिया, ओटीपी को फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है पूरे 7000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है। अब जो मुझे 7000 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिली है इसको मैं आपके सामने अप्लाई करूंगा और अपने बैंक खाते में आपको लेके भी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, 7000 रुपए की मेरी यहाँ पे लिमिट है, मैं यहाँ पे 2000 से लेके पूरे 7000 रुपए का मैं यहाँ पे लोन ले सकता हूँ। तो जितने भी आपको लोन की नीड है उतना लोन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जब अप्लाई करूंगा पूरे 3000 रुपए के लोन को आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर मैं 3000 रुपए के लोन को अप्लाई करूंगा सबसे पहले आपको जितना भी अमाउंट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया 3000 रुपए के लोन को, मुझे समय मिलेगा 2 महीने का, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। EMI आपकी बन के आएगी 2140 रुपए, 2140 रुपए की EMI यहाँ पे बन के आ जाएगी। अब आपके जो बैंक खाते में आएंगे 2700 रुपए आपके बैंक खाते में आ जाएंगे, वो आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। रिपेमेंट आपको करनी है 4280 रुपए, वो भी आप अच्छे से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3000 रुपए का आपका लोन है, 4280 रुपए की आपको रिपेमेंट करनी है, 2700 रुपए आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। EMI का टाइम यहाँ पे 2140 रुपए फर्स्ट EMI, सेकंड EMI 2140 रुपए और 2 महीने का आपको समय मिल जाएगा। इसको बैंक खाते में आपको लेने के लिए आपको करने के आपको नीचे आना है, इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक लगा के एक्सेप्ट वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अब आपको यहाँ पे फाइनल डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा व्यू डिटेल, अब यहाँ पे आपको ये पता चलेगा आपके कितने चार्ज लगने वाले, कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा, कितना आपको GST यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा 3000 रुपए का हमारे यहाँ पे लोन है, नीचे आएंगे आपको फीस मिल जाएगी और साथ में आपको GST यहाँ पे देनी पड़ेगी 300 रुपए की। डॉक्यूमेंट अमाउंट आपको यहाँ पे जो आपके बैंक खाते में आएगा 2700 रुपए आपके बैंक खाते में आ जाएगा। लोन का टेन्योर आपको मिलेगा 62 दिन के लिए। नीचे आएंगे पेमेंट डिटेल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपको लगेगा 36% के हिसाब से, वो डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर के ऊपर। नीचे आएंगे इंटरेस्ट अमाउंट आपको देना पड़ेगा 139 रुपए का। सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा 1140 रुपए का। रिपेमेंट आपको करनी है 4280 रुपए की, भाई वो आप सबसे पहले आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर आप इतना ब्याज यहां पे दे सकते हैं तो आप इस
एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपका सिविल यहाँ पे खराब रहेगा तो भी आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अगर आप काफी सारे एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर चुके हैं या वहां से भी आपको लोन नहीं मिला, अगर आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं 100% आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। पर उसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। जैसे जैसे मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ आपको वैसे वैसे लोन के लिए अप्लाई करना है और तुरंत आपको लोन का अप्रूवल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे आना है, इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक लगाना है और आपको जो लोन है सीधा आपके बैंक खाते के अंदर आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आपको एक्सेप्ट वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको प्लीज वेट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको 5 मिनट का वेट करना है, उसके बाद देखते हैं कि अगला ऑप्शन मेरे को क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वीडियो केवाईसी, यहाँ पे लिखा है कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी आपको करनी पड़ेगी। वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको करना है कि आपको स्टार्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, आपको अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से स्टार्ट वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आपका फ्रंट कैमरा एक्सेस यहाँ पे लिया जाएगा, बैक कैमरा भी एक्सेस लिया जाएगा, माइक्रोफोन परमिशन और लोकेशन परमिशन आपके ली जाएगी। उसके बाद आपको आने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपको अगले वाले पेज पे यहाँ पे आ जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एजेंट थे वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एजेंट की फोटो देखने को मिल जाएगी जिसको मैंने ब्लर कर दिया है, और नीचे आपको मेरी फोटो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको जो वीडियो केवाईसी करनी है आपको अपने आधार कार्ड को दिखाना है, एक आपको अपने पैन कार्ड को यहाँ पे दिखा देना है, उसके बाद आपको अगले वाले पेज पे यहाँ पे आ जाना है। तो उसके बाद आपकी एक सेल्फी यहाँ पे ली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी सेल्फी को क्लिक कर लिया। सेल्फी क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपको आधार की फ्रंट फोटो खींच के डाल देनी है, उसके बाद आपको थोड़ा सा दोबारा से वेट करना। तो उसके बाद आपको फाइनल लोन का एग्रीमेंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा लोन एग्रीमेंट। अब जो लोन एग्रीमेंट यहाँ पे निकल के आया तो यहाँ पे लिखा 3000 रुपए का आपका लोन है, 2700 रुपए आपके बैंक खाते में आ जाएंगे, 4278 रुपए की आपको रिपेमेंट करनी है और रिपेमेंट डेट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो इसको बैंक खाते में आपको लेने के लिए करना है कि आपको गेट कोड पे क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको फिल करना, नीचे आने के बाद आपको कंफर्म वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। फाइनल स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कंफर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूट, ये जो लोन है ना सीधा आपके बैंक खाते के अंदर आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे करना है कि आपको नीचे आना है, कंटिन्यू वाले सेक्शन पे मुझे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अभी ये जो लोन था सीधे मेरे बैंक खाते के अंदर मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेस, तो आपको सिर्फ 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा। 3000 रुपए का लोन था, 2700 रुपए आपके बैंक खाते में आएंगे, रिपेमेंट की डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो लोन का एग्रीमेंट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे आना, क्लिक वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन की रेटिंग को चेक कर लेना, यहाँ पे देख सकते हैं 3.7 की इसकी रेटिंग है और 1 करोड़ प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड है। तो भाई अगर सिविल खराब भी रहेगा ना तो भी आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। आपको अबाउट पे आ जाना है, अबाउट पे आने के बाद यहाँ पे आपको सारा कुछ यहाँ पे रीड करके मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है एनबीएफसी लैंडिंग पार्टनर फिनफ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड विद द रजिस्टर्ड एनबीएफसी विद द आरबीआई, इतना आपको पता चल गया। उसके बाद आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको काफी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आपको समय मिलेगा 62 दिन से लेकर पूरे 6 मंथ का आपको समय मिलेगा, इंटरेस्ट आपको 12% से लेकर 36% का आपको यहाँ पे लग जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 2000 से लेकर 25000 रुपए का आपको लोन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ देना है पैन कार्ड, एक आपको देना है आधार कार्ड, इंस्टेंट आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप सैलरी पर्सन है तो भी आपको लोन मिल जाएगा, सेल्फ हेल्प है तो भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल में आपको बता दूँ। देखो डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे कौन कौन से लगने वाले हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे साफ साफ लिखा है पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, आपकी एज 18 साल की यहाँ पे होनी चाहिए। नीचे आएंगे आपको एक सेल्फी देनी है, एक पैन कार्ड देना है, बैंक अकाउंट नंबर आपको देना है जो यहाँ पे एक्टिव हो। ऊपर आने के बाद आपको सिंपल से आपको केवाईसी करनी है, यहाँ पे आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपका जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, सिर्फ आपको अपनी केवाईसी करनी है, इंस्टेंट आपको अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना तो यहाँ पे आपको काफी कुछ मिल जाएगा। अगर आपको लोन अप्लाई करते समय कोई भी दिक्कत है, ईमेल सपोर्ट आपको मिल जाएगा, ईमेल सपोर्ट से आप इनसे कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन काफी पुरानी एप्लीकेशन है, 12 फरवरी 2019 को आई थी, अब यहाँ पे 24 चल रहा है, तो यहाँ पे आप अच्छे से यहाँ पे इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो भाई काफी पुरानी एप्लीकेशन है, अगर आपको इंस्टेंट लोन की नीड है या सिबिल आपका खराब है तो इंस्टेंट आपको यहाँ पे लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है रूपी रेडी पर्सनल लोन ऐप, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। काफी अच्छी एप्लीकेशन है, सिबिल खराब होने के कारण भी आपको इस एप्लीकेशन पे लोन का अप्रूवल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू दोस्तों। और लोन आपको जब भी अप्लाई करना, जब आपको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, बेवजह लोन आपको अप्लाई नहीं करना। अगर आप बेवजह लोन के लिए अप्लाई करेंगे, रिपेमेंट टाइम पे नहीं कर पाएंगे, आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाएगा, आगे चल के आपको काफी दिक्कत का सामना भी यहाँ पे करना पड़ सकता है।